चलिए अब खबर ज्ञानवापी में तीसरे दिन हुए सर्वे की। देखिए एक तरफ तो ज्ञानवापी में सर्वे का जो काम है वो लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में शाही मस्जिद के इमाम साहब अचानक से भड़क गए और भड़के भी ऐसे कि जहरीले बोल उन्होंने बोल डाले। क्या कुछ उन्होंने कहा, उस एक्शन का क्या रिएक्शन देखने को मिला, आप भी समझिए। ज्ञानवापी सर्वे के बीच भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद में बड़े पैमाने पर सबूत होने का दावा किया जा रहा है, मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिलने की बात कही जा रही है। वहीं मेरठ शहर के काजी शफीकुर रहमान काजमी ने जामा मस्जिद के नाम पर मस्जिद में तकरीर देते हुए भड़काऊ बयान दिया। अगर कुछ दिन है तो मुसलमान नहीं है और अगर मुसलमान है तो कुछ नहीं होता। शफीकुर रहमान काजमी यही नहीं रुके और अपनी तकरीर में आगे कहा, इस मस्जिद के जो मेरठ के शहर काजी शफीकुर रहमान काजमी के इस बयान को ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं हिंदू पक्ष ने इस बयान को भड़काऊ करार दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शफीकुर रहमान काजी साहब का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जो इस तरह की भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावे। तीसरे दिन एएसआई ने ज्ञानवापी में व्यास तहखाने का मुसलमान पक्ष से चाबी लेकर ताला खुलवाया, मजदूर बुलाकर सफाई करवाई, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगाए और लाइटिंग की गई। इसके बाद टीम ने तहखाने के अंदर सर्वे किया। ज्ञानवापी के तीनों गुंबद, व्यास तहखाना और परिसर का सर्वे किया गया। एएसआई ने व्यास तहखाने में पैमाइश की, दीवारों की 3D फोटोग्राफी स्कैनिंग करवाई, चार्ट में दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए। वहीं जैसे जैसे ज्ञानवापी में सर्वे का काम आगे बढ़ता जा रहा है, हिंदू पक्ष लगातार मजबूत दावे कर रहा है। ज्ञानवापी में मंदिर के ढेरों सबूत। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में मंदिर के ढेरों सबूत मिले हैं। जैसे जैसे सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबूत भी मिलते जा रहे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ रहा है। डर इसलिए रहे कि जो सत्य है, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था और उन मंदिरों को तोड़ के मलबे जो है हमारे देवी देवता विग्रह शिवलिंग सब भरे पड़े वहाँ हैं, तो वो जान रहा है कि जब ये मलबों के नीचे से एएसआई सर्वे करके मशीनों से या जिस टेक्नोलॉजी से जब बाहर उन साक्ष्यों को निकालेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर जब बाहर आएगा तो इनकी कलई खुल जाएगी।